हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम इम्प्रेस ऑन होम्योपैथी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। कोरोना महामारी यानी कि कोरोना की जो सेकंड वेव इंडिया में आई है, उसको लेके लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको कोरोना है या नहीं है। नॉर्मल फ्लू भी आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे वायरल, टाइफाइड या कोई भी फ्लू जिसमें फीवर आता है या फिर थ्रोट सिम्टम्स आ रहे हैं। इन सब सिम्टम्स की वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं है। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, हम इस बात करेंगे कि आपको कोरोना है तो वो किस स्टेज में है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, या फिर आपको कब टेस्ट करवाना चाहिए या कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, और आप कोरोना से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या क्या आप डाइट में यूज़ कर सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करे। या फिर कई लोग आजकल जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है वो ये है कि आपके आस पड़ोस में किसी को कोरोना हो गया है या कोई आपकी गली में किसी को कोरोना हो गया है, तो आपको लगता है कि आपको तो कोरोना नहीं हो गया है। तो इस केस के इन केसेस के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि इस बार क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कोरोना पेशेंट्स में। जो सबसे ज़्यादा सिम्टम इस बार आ रहे हैं वो हैं गैस्ट्रिक सिम्टम्स, जैसे कि लूज मोशन, साथ में वॉमिटिंग और पेट दर्द। उसके अलावा फीवर, गले में खराश, सूखी खांसी और पूरी बॉडी में पेन, सर दर्द। उसके बाद जो है आपका स्मेल या टेस्ट ना आना, और फिर जो उसके बाद सीवियर कंडीशंस में होते हैं उनमें होती है सांस लेने में प्रॉब्लम, जिसमें आपके लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन सब सिम्टम्स के साथ हम कैसे पता करेंगे कि हम किस स्टेज पे हैं। अगर मान लो आपको कोई फ्लू है या वायरल है, तो आप कैसे पता करें? अगर आपको फीवर आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम हैं पॉजिटिव हैं या नहीं हैं? तो इसके लिए आप क्या करें, आप 5 से 6 मिनट के लिए वॉक करें, 5 से 6 मिनट के लिए चलें, और उसके बाद आप पल्स ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 91 या 92 से नीचे जा रहा है, तो आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इससे हमें ये भी पता अगर आप पहले ही टेस्ट करवा चुके हैं और आप पॉजिटिव हैं, तो इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, माइल्ड में, मॉडरेट में या सीवियर में। तो माइल्ड केसेस में क्या हो रहा है, माइल्ड केसेस में बहुत ही कम सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि गले में खराश या आपका टेम्परेचर होना, टेम्परेचर बढ़ जाना, या उसके साथ में आपको बॉडी पेन, और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपका नॉर्मल आ रहा है। उसके बाद जो मॉडरेट कंडीशंस आ रही हैं उनमें क्या हो रहा है, जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो 90 से नीचे जा रहा है और आपको सांस लेने में हल्की प्रॉब्लम हो रही है। तो मॉडरेट कंडीशंस अगर आपकी आ रही हैं, तो उसमें आपको स्टीम लेना है और नेबुलाइज करना है। उसके बाद भी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें या हॉस्पिटल में जाएं। और मॉडरेट के साथ साथ अगर आप हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे कि आपको पहले से शुगर है या फिर आपको बीपी की कोई कंडीशंस हैं या आप कोई हार्ट पेशेंट हैं, इन केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद जो आता है वो है सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन में जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो 85 से नीचे आ जाएगा या 87-85 उससे नीचे आ जाएगा, आपको चेस्ट कंजेशन होगा, मतलब कि आपको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको इसमें आपके लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है कि अगर हमारे आस पड़ोस में किसी को कोरोना हो गया है, हमारे साथ वाले घर में हो गया है या हमारी गली में किसी को कोरोना हो गया है, तो क्या हम भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं? इन केसेस में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, मतलब कि आप उसके 3 मीटर की दूरी से आपका उसका कॉन्टैक्ट हुआ है, तो आपको कोरोना नहीं हो सकता है। तो इसमें आप घबराएं नहीं, अगर आप उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी अगर उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो आपको टेस्ट कब करवाना चाहिए? अगर आप नेक्स्ट डे ही टेस्ट करा लेंगे, तो आपकी रिपोर्ट ढंग से नहीं आएगी, वो आपको जो एक्चुअल रिजल्ट है वो शो नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सपोजर के 5 दिन बाद इसका जो रिजल्ट है वो आता है। जब आप एक्सपोज होते हैं, उसके 5 से 7 दिन बाद अपना टेस्ट करवाएं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसको कैसे, इसमें हम प्रिवेंशन कर सकते हैं या हम क्या डाइट ले सकते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। आपने वो थ्योरी तो सुनी होगी, डार्विंस थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज का वो टाइम है जब जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा।
क्योंकि इसके लिए ना कोई मेडिसिन बनी है ना कोई इसका क्योर है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को है उसको स्ट्रोंग करने पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आपको मल्टी वाइटामिन्स लेने की ज़रूरत है, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, उसके अलावा जिंक, ये सारी चीज़ें अपने खाने में ऐड करें, ये सप्लीमेंट्स लें, साथ में मिल्क, किशमिश, बादाम, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करें। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे कि स्प्राउट्स और एग्स, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो। जितने ज़्यादा आप फिट रहोगे उतने ज़्यादा आप इस चीज़ से बचते रहोगे। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है, ना कि इसके बारे में हमें पैनिक होने की या कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं और स्टीम लें। बाहर से आते ही अपने हाथ धोएं, अपना मुंह धोएं और अपने माउथ वॉश भी करें, ताकि आपका जो अगर कोई वायरस आया भी है तो वो तभी की तभी साफ़ हो जाए, आपके थ्रोट तक ना पहुँच पाए। ये हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, ये हमें डाइट लेनी है। इसका एक ही उपाय है, अच्छा खाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और वॉकिंग करें जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़े, या जॉगिंग करें जिससे कि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ सके। हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने के लिए होम्योपैथी का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि इसमें इम्यूनिटी को स्ट्रोंग किया जाता है। होम्योपैथी दवाइयाँ इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करके ही डिजीज़ को ख़त्म करती हैं। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करती हैं और कोरोना के प्रिवेंशन का काम करती है, या अगर आप कोविड पॉजिटिव भी हैं तो जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे भी दवाइयाँ दी जाती हैं जो आपको जल्दी हेल्दी होने में आपका हेल्प करती हैं। मैं जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे एक ही अपील करना चाहूँगी कि मास्क का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो आपको ड्रॉप आप किसी के कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हैं तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे बच सकें। उसके अलावा अपने हाथ धोएं, सफाई का ध्यान रखें और बाहर ना निकलें। जो आगे के आने वाले महीने हैं वो इसके पीक के महीने हैं। थैंक यू।